राजस्थान के जयपुर में पतंजलि के बाबा रामदेव पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। उन पर आरोप लगाया गया है कि वे कोरोना महामारी के दौरान लोगों को ठग रहे हैं। आपको बता दें कि जयपुर के ज्योति नगर थाना में पतंजलि के योग गुरु बाबा रामदेव, उनके सखा बालकृष्ण व अन्य सहित चार लोगों पर कोरोना की दवा बेचने के बहाने ठगी करने का मामला दर्ज किया गया है। यहाँ यह भी जान ले कि बाबा की कोरोना दवा को लेकर दो वकीलों ने मामला दर्ज करवाया है। अब इस मामले की जाँच भी शुरू हो गई है। मैडम बताइए, अभी अभी एक मामला सामने आया है चिमैन थाने का, किसी आरोपी के द्वारा 5 साल के बच्चे के साथ अनहोनी घटना को अंजाम दिया है, क्या है पूरा मामला? कल रात पीड़ित बालक अपने पिता के साथ थाना चिमनगंज आए थे। उसमें बताया गया कि एक आरोपी विवेक पिता विजय सिंह जादौन द्वारा उसको घर में ले जाकर बहला फुसला कर ले जाकर उसके साथ गलत काम किया गया। हमने विदिन एक 1.5 में राउंड अप किया उस आरोपी को। सीनियर ऑफिसर्स को सूचना देते हुए अपराध पंजीबद्ध किया गया। किन धाराओं में पंजीबद्ध हुआ? ये अपराध सेक्शन 377 पॉस्को एक्ट 363 और SC/ST एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी क्या करता है? आरोपी पानी पताशे का ठेला लगाता है। क्या नाम है आरोपी का? आरोपी का नाम है विवेक पिता विजय सिंह जादौन।